The sum of three numbers in AP is minus 3 and their product is 8. Find the common difference of an AP. ये एक नंबर का क्वेश्चन है, हार्डली दो नंबर में दिया जा सकता है. इस क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज माइनस थ्री. सो तीन अननोन नंबर्स हैं. सो तीन अननोन नंबर्स जब एपी में लेने हो तो आप उन्हें लेंगे ए, ए माइनस डी और ए प्लस डी, कुछ इस फॉर्म में ये तीनों नंबर होंगे. अब बोला जा रहा है कि इनका सम माइनस थ्री है और इनका प्रोडक्ट एट है, तो कॉमन डिफरेंस बताना है. तो सम के लिए ऐड कर देंगे इन्हें कुछ इस तरीके से, और यहां पे आ जाएगा माइनस थ्री. यही बोला जा रहा है, सम करने से डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा थ्री ए, माइनस थ्री हो गया, थ्री से ये कटा, ए इक्वल टू माइनस वन हो गया. अब बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट एट है इनका, तो a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी इक्वल टू एट, प्रोडक्ट एट है. तो यहां पे इसमें और इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, प्रोडक्ट आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी की क्या होता है आइडेंटिटी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है. तो यहां पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू एट. अब a की वैल्यू माइनस वन है, यहां पे लाके पुट कर देंगे, ठीक है. तो यहां पे जब लाकर पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो यहां वन माइनस डी स्क्वायर और ये इंटू माइनस वन. अब माइनस वन से अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, ठीक है, यहां पे करते हैं जगह है. तो माइनस वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन का वन में, और माइनस वन से माइनस डी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एट. अब ये माइनस वन इधर आएगा तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एट ऑलरेडी है तो ये नाइन हो जाएगा. अब ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस नाइन, और डी की वैल्यू यहां पे आ जाएगी क्या, प्लस माइनस थ्री. समझ रहे हैं, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, थ्री. उसे आप प्लस में डील करें या माइनस में,